भाई वो लोग जो फॉलोवर्स खरीदते हैं, देखो फॉलोवर्स अगर आप कोई चीज बेच रहे हो 20,000 रुपए की, अब आप रीसेलर को बेचनी है तो वो 20,000 की बेचेगा या अगर कोई लाख रुपए की चीज है मार्केट में, हम 50 की सेल कर रहे हैं, आपको हम 45 की दे रहे हैं, तो आपकी मर्जी, आप 55 की सेल कर दें, 60 की सेल कर दें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब मेरा नाम है असलान शाह और आज अंबर स्टोर के पेज पर जो है मैं बैठा हूँ, क्योंकि अभी हमारे प्लान नहीं था वीडियो बनाने के, लेकिन ताहिर भाई हमारे प्यारे सबके लाज दुलारे, सबको उनसे मोहब्बत भी बहुत है माशाल्लाह से, इन्होंने एक ऐसी बात की है कि एक ऐसी चीज़ मुझे बताइए जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ताहिर भाई मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं, लड़कों के भी आते हैं वैसे तो, लेकिन जो घर की ख्वातीन है वो मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें भी घर बैठ के कोई बिजनेस शुरू करना है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और कुछ तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। तो आपका एक रीसेलर प्रोग्राम आ रहा है, अंबर स्टोर का एक रीसेलर प्रोग्राम आ रहा है जो कि 15 तारीख से, ये रीसेलर प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में जरा बताओ। रीसेलर प्रोग्राम एक्चुअली है कि आप काम हमारे साथ कर सकते हैं, अंबर स्टोर की प्रोडक्ट को आप रीसेल कर सकते हैं और आपको जो प्राइस मिल रहे हैं वो क्लाइंट से अलग मिल रहा है। आपने आपको एक अलग एप्लीकेशन दी जा रही है, आप वहाँ जाते हैं, हमारी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से लेके जो कि मार्केट से ऑलरेडी 50% कम में है, और कम में आप हमसे लेके और मार्केट में अपने प्लेटफॉर्म पे, आप अपना सोशल मीडिया पे जाएं, इंस्टा पे, फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, या वेबसाइट अगर आपकी है या आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेटस पे लगा के वो चीज़ें सेल करें, आपके पास ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर आप वहीं पे और रिसेलर ऐप पे प्लेस करते हैं, हम आपके नाम से उसको डिलीवर करेंगे। मतलब जो कंसर्न जो ऑर्डर लेने वाला है वो चाहता है कि नहीं अंबर स्टोर का नाम ना जाए इस पे, तो वो अपना कोई भी ब्रांड नेम जो भी रखेगा बिजनेस नेम, उस नाम से हम उनको वो डिलीवर करेंगे। अच्छा अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास ऑडियंस नहीं है, पब्लिक नहीं है, व्यूज़ नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या एक आइडिया देना चाहोगे? जब मैं तो ये कहूँगा, देखें शुरू में तो किसी के पास भी नहीं होती, जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं मार्केट में आते हैं, आपको जब आपकी उस प्रोडक्ट की अच्छे रिव्यूज़ हैं या किसी को वो प्रोडक्ट गई है वो आगे रिकमेंड करता है, बेस्ट तो इसके लिए ये है कि आप इतनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दें कि वो बार हाँ आपसे शॉपिंग करे, बजाय इसके कि वो अंबर स्टोर के पास आए, वो आपको आजमा चुका है तो आपसे ही ले। सही, और इसी से आप ऑडियंस जो है या क्लाइंट्स अपने बना सकते। अच्छा, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो 20,000 रुपए की, अब आप रीसेलर को बेचनी है तो वो 20,000 की बेचेगा या आप 20,000 पहले अपने लोगे और उसको बोलोगे भाई चल तू 25,000 की बेच? नहीं, हम 20,000 की अगर हम बेच रहे हैं तो वो हमसे कम में सेल कर सकता है हमारी प्रोडक्ट। अच्छा, वो 19 की भी सेल कर सकता है, हम उसको जो प्राइस देंगे वो एक अलग प्राइस होंगे, वो आपको वहीं पे ही शो होंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनासिब भी नहीं रहेगा वो, ऐसे सब नहीं बताना होता। हाँ, ज्यादा ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस ये मैं आपको बता दूं कि आप अंबर स्टोर की प्रोडक्ट अंबर स्टोर से कम प्राइसेस में सेल कर सकते हैं, और उसको आप बेशक हम 50% पे या 45% पे सेल कर रहे हैं, आप 60% पे सेल कर दें, 70% पे कर दें। अगर कोई लाख रुपए की चीज है मार्केट में, हम 50 की सेल कर रहे हैं, आपको हम 45 की दे रहे हैं, तो आपकी मर्जी, आप 55 की सेल कर दें, 60 की सेल कर दें, 60 की सेल करें, 55 की सेल करें, या आप 46 की बेचें, दैट्स टोटली अप टू यू। मतलब आप मार्केट खराब भी कर सकते हैं, मतलब इतना सस्ते में आप चाहें तो अपना नाम अंबर स्टोर की भी मार्केट खराब कर सकते हैं। वेरी गुड, मतलब ऐसा जन्नती आदमी कहाँ देखने को मिलेगा। क्यों, क्यों, क्या कोई मसला था जो आप ऐसा आइडिया लेकर आए? क्या ये मसला ये कि मुझे 4 साल हो गए और 4 साल से मुझसे वो लोग कांटेक्ट ज्यादा करते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमें भी ये काम करना है, हमें भी कुछ करना है, स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कोई जॉबलेस है, तो इनके बारे में काफी टाइम से सोच रहा था, और अब इसको अमली जामा जो है ना वो पहनाया है कि यार इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करें, और आपने पजामा सब पहना है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, तुम लोगों को जो परेशानी आई है उसका हल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? यकीनन तुम इंस्टाग्राम बनाओगे, यकीनन तुम फेसबुक बनाओगे, और तुम्हारे पास शायद हो सकता है स्टार्ट में इतने फॉलोअर्स ना हो, और तुम फॉलोअर्स खरीदने पर जाओगे, या तुम बोलोगे कि यार किसी से मैं शाउट आउट ले लेता हूँ, या अज़लान भाई आपने इतनी मार्केटिंग की, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप शाउट आउट दे दे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक जो चीज़ है ना वो आप, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप शुरू करें व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पर जो स्टेटस वगैरह अपडेट होते हैं, आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू करो, अपनी पहली मार्केटिंग वहाँ से करना शुरू करो, ताकि जो तुम्हारे व्हाट्सएप की जो आवाम है ना वो तुम्हारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आए,
अब वहां से तुम लोग को बेचो, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से साइकिल शुरू हो सकता है, इस तरीके से सारी चीजें शुरू हो सकती है। तो और अच्छा, एक चीज, एक सवाल और भी करते हैं लोग। अब आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बताएं कि जो लोग फॉलोवर्स वगैरह खरीदते हैं वो सही करते हैं? फॉलोवर्स अगर कोई ये काम हाँ करना चाह रहा हो, वो सोच रहा है कि यार मैं फॉलोवर्स खरीद लेता हूँ, हाँ आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? भाई, वो लोग जो फॉलोवर्स खरीदते हैं, देखो फॉलोवर्स खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी उच्चा उच्चा ले सकता है। बट द थिंग इज कि उन फॉलोवर्स का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि उस फॉलोवर से जो, अगर तुम्हारी ऑलरेडी रीच है, वो ऑलरेडी रीच तुम्हारी गिर जाएगी। देखो तो ये बॉट्स होते हैं या फेक फॉलोवर्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स तुम्हें दिखा सकते हैं। किसी के पास 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, किसी के पास 5 लाख फॉलोवर हैं, 2.5 लाख फॉलोवर हैं, लेकिन उन फॉलोवर्स का फायदा नहीं है। मेन चीज मैटर करती है कि आपकी रीच क्या है, ये कितने लोग एक्टिव है। तो ये पैसे दे के बॉट्स लेना, फेक फॉलोअर्स लेने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा रीच आपकी खराब होगी, जो कारोबार चल रहा है वो आपका FUCK हो जाएगा और किसी का कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसी तो फॉलोवर नहीं खरीदने चाहिए, बी ओरिजिनल, बी कंसिस्टेंट। जितना कंसिस्टेंट होगे तुम चीजें अपलोड करोगे, कंसिस्टेंट होगे चीजें लगाओगे, उसमें ही फायदा है। देखो हम भी तो अल्लाह का शुक्र है आज काम कर रहे हैं, जितनी भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी किसी से शॉर्ट आउट नहीं लिया, उन्होंने भी अपना काम लगाया, काम लगा के फॉलोवर्स कमाए। सही है। सो या और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? और बस कोई यही है मेरे ख्याल से कि ये प्रोग्राम कब इंशाल्लाह, लॉन्च हो रहा है? ये प्रोग्राम इंशाल्लाह 15 नवंबर को हम लॉन्च करेंगे और एक हफ्ते बाद इसकी जो है रजिस्ट्रेशन amberstore.pk से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जितने भी लड़के स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ्स बच्चे करना चाह रहे हैं, तो आप जाके जो है वो सब्सक्राइब कर लें, इनको फॉलो कर लें और जाके देख लें। अल्लाह भला करेगा, आपका भी हमारा भी सबका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।